नमस्कार, आइए आज हम आपको सामी कबाब बनाना बताते हैं। सामी कबाब ऐसे तो मटन से बनता है, लेकिन यहाँ पे हम वेजिटेबल सामी कबाब बनाएंगे जो कि चने से हमने बनाया है, काले चने से। ये एक कप काला चना हमने 5-6 घंटे पहले भिगोया है, जो फूल के इस तरह से हो गया है। अब आइए इसको हम कुकर में डालते हैं और थोड़ा पानी डाल के इसको हम उबालेंगे। आइए इसमें 1 से लेकर 1.5 कप तक हम पानी डालते हैं, इसको हमको अच्छे से उबालना है। अब आइए हम कुकर की सीटी लगा देते हैं, इसको 1 सीटी तक आप उबाल लीजिए, इसको प्रेशर दे दीजिए, गैस आप तेज रखिएगा। आइए तब से हम देखते हैं और क्या क्या सामान चाहिए हमको सामी कबाब बनाने के लिए। ये जो चना हमने उबाला था उसको हमने पीस लिया है, ये बहुत महीन नहीं रहेगा और ना ही बहुत मोटा रहेगा, ये इस तरह से रहेगा। ये जो मार्केट में न्यूट्री नगेट आता है उसको भिंगा कर हमने पीस लिया, पानी निचोड़ के भिंगा के इसको पीस लिया है। मेन बेस ये है चना और ये, इसको न्यूट्रिला या सोया बड़ी भी बोला जाता है। अब जो सामान स्टफिंग के लिए चाहिए वो देखिए, ये हरी मिर्च है 5-6 कटी हुई महीन महीन, आप तीखा अपने स्वाद के अनुसार कर सकती हैं। ये अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन है जिसको हमने छोटा छोटा काट लिया है, ये पनीर है इसको हमने कद्दूकस किया है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये धनिया की पत्ती है, ये नमक है, ये कॉर्नफ्लोर है, ये नारियल का चूरा है। आइए ये सबसे पहले आप चना ले लीजिए, इसमें आप ये सोया बड़ी है उसको मिला दीजिए, हरी मिर्च मिला दीजिए, ये अदरक का पेस्ट है, ये लहसुन है, ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर अगर कम पड़ेगा तो थोड़ा आप और भी मिला सकती हैं इसमें। अब ये स्वाद के अनुसार आप नमक इसमें मिला दीजिए, अब इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। इसमें धनिया की पत्ती मिला दीजिए आप, अगर ये आपको सूखा लगता हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें मार दीजिए, ये थोड़ा सा पानी का छींटा इसमें हम मारेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी बाइंडिंग अच्छी से हो जाए, आप चाहें तो इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब आइए इसकी स्टफिंग हम करते हैं। आप इतना बड़ा बॉल ले लीजिए, इसको इस तरह से कर लीजिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स पनीर इसमें है, इसको आप अच्छे से इसमें भर दीजिए और फिर बहुत ही हल्के हाथ से इसको दबाकर चारों तरफ से बंद कर लीजिए। इसके अंदर सारी स्टफिंग चली जाए इस तरह से, ऐसे इसको दबा लीजिए, आप दबा के इसको आप चपटा कर लीजिए, ये देखिए इस तरह से आप इसको कबाब का शेप दे दीजिए। ये आइए इसको अब हम कढ़ाई में डालते हैं। ये तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तेल खूब बढ़िया गर्म होना चाहिए, ये इसको डाल दीजिए। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि जब ये कबाब आप कढ़ाई में डाल रही हैं तो जब एक तरफ से सिक जाए तभी इसके अंदर दूसरा कबाब डालिएगा, नहीं तो गीले की वजह से हो सकता है ये एक दूसरे से चिपक के फट जाए, क्योंकि इसके अंदर जो सामान भरा हुआ है वो बाहर आ सकता है, इसलिए आप एक तरफ से सिक जाने पे तभी आप दूसरा इसमें डालिए। इसको देखिए हम पलट दे रहे हैं धीरे से, इस तरह से पलट दीजिए। अब देखिए दूसरा कबाब हम डाल दे रहे हैं धीरे से, ये देखिए ये हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ये हो गया है, अब आइए इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए ये मेरा शाही सामी कबाब बनके तैयार है, आप इसको किसी भी चटनी या दही के डिप के साथ खा सकती हैं, टमाटर सॉस के साथ। देखिए ये कितना सॉफ्ट है, हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए इसके अंदर सब भरा हुआ है, आप इसको गर्मा गर्म शाम को चाय के साथ
इस्तेमाल कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।